चाय का अड्डा है वहां जाके पी सकते हो। अच्छा इतना अच्छा लगा आपको? उफ, गिर जाएगा। उफ, 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 भगवान। घर को पोछा मारने की उसे क्या कहते हैं? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज की सुबह में आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने चाय नहीं बनाया है और मैं सुबह चाय नहीं पीती, तो पानी एक ग्लास से मैं सुबह शुरू करती हूँ। तो गाइस, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा लिख लेती हूँ क्योंकि याद नहीं रहता यार। तो मुझे क्या है, एक घर को पोछा मारने की क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जो ऐसे जो लाठी देकर पोछा मारते हैं, जिसे पता नहीं यार, भूल गई, तो मेमोरी नहीं है। मैंने लिखा है पोछा मारने का सामान, मैंने वो लिखा है पोछा मारने का सामान, मुझे याद रहेगा। अच्छा, फिर अब मुझे एक झाड़ू खरीदना पड़ेगा यार। झाड़ू बहुत ही छोटा हो गया ना, कमर में दर्द आ रहा है, इसलिए थोड़ा लंबा देखिए झाड़ू लेना पड़ेगा। तो मैं लेकर झाड़ू लेकर झाड़ू, तो मैंने झाड़ू ले लिया, दो नंबर की झाड़ू, तीन नंबर लेना है मुझे। दो नाइटी खरीदना पड़ेगा, बहुत गर्मी है ना, तो मुझे नाइटी खरीदनी पड़ेगी यार। नाइटी, दो नाइटी मैंने लिख लिया है। और चार नंबर कुछ घर के कुछ सामान है, हाँ क्या क्या है, हाँ मैं लिख लेती हूँ। तो गाइस देखिए, बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, आज उसकी स्कूल बंद है। गाइस आज बेटा बाल काट रहा है घर पे, उसके पापा बाल काट रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्रिमर। अच्छा, लॉकडाउन पे हमने खरीदा था, बट इसे अभी तो यूज एकदम नहीं हो रहा है, तो आज मैंने बोला इसे यूज करो। तो थोड़ा थोड़ा बेटे का बाल थोड़ा लंबा हुआ है, तो इसीलिए काट रहे हैं। तो गाइस बेटा बोल रहा है वीडियो डिलीट करने के लिए, क्यों डिलीट करूँ, बेटे ने मुझे कितना डांटा, मैंने उसको वीडियो किया इसीलिए। तो अभी देखिए, मैं अभी चावल पिठा दूंगी और ये दूध आ गया है, मेरा दूध उबल गया है, अभी मैं उतर, उफ, उफ, गिर जाएगा। अरे भगवान भगवान, बनने बचा लिया यार, नहीं तो दूध गिर जाता यार, मेरा ऐसे हमेशा ऐसे एक्सीडेंट होता है, दूध मेरा गिर जाता है। मैंने कुकर को, मैं शुक्र है मैंने दूध को मैंने बचा लिया है, अभी मैं खाना बिठा दूंगी। बेटा भी नहाकर आ गया, अच्छे से शैम्पू किया, हाँ अच्छे से नहाया ना साबुन से, कल से तो स्कूल है। देखिए मैंने सब्जी मैंने काट लिया है, आलू और भिंडी काटा है यहाँ पर, ये आलू भिंडी का सब्जी बनाऊंगी। और ये पर थोड़ा मैंने बनाना काट के रखा है, इससे मैं पकौड़ा बनाऊंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बनाना फ्लावर, इसका पकौड़ा करके फिर इससे एक कारी बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, बनाना फ्लावर बॉयल हो गया है, ज़्यादा मैंने बॉयल नहीं किया है, बस एक दो मिनट। कढ़ाई का तेल मेरा गर्म हो गया है, मैं पकौड़ा जो बनाना का मैं पकौड़ा बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं दे रही हूँ नमक, फिर मैं दे रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, फिर मैं दे रही हूँ जीरा और एक मसाला, एक पकौड़ा पाउडर है मेरे पास, मैं वो दे रही हूँ। फिर मैं दूंगी थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बेसन दूंगी। मेरा बनाना हो गया है, मैं अभी इसे निकाल रही हूँ कढ़ाई से। तो गाइस देखिए, अभी बनाना फ्लावर जो मैंने बॉइल करके रखा था, अभी मैं इसका पकौड़ा बनाऊंगी। नमक मैंने दे दिया है, थोड़ा कम होगा तो थोड़ा दे रही हूँ। अभी ये देखिए, यहाँ पर मैं दे रही हूँ बेसन, बेसन मैंने दे दिया है। अभी मैं दे रही हूँ हल्दी पाउडर, चम्मच नहीं हाथ से देना पड़ रहा है, दे रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो अभी मैं अच्छे से मिक्स करी हूँ। ये बनाना का पकौड़ा, ये बनाना फ्लावर का पकौड़ा, ये आलू और भिंडी का सब्जी, और यहाँ पर बन रहा है कारी, बन रहा है। खाना वाना हो गया है और अभी मैंने थोड़ा रील्स बनाया था, शॉर्ट्स बनाया था, तो हो गया सब कुछ, बट वीडियो तो अभी तक चालू है। ऐश्वर्या आने वाली थी बट वो नहीं आई, पता नहीं, वो फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रही है, फ़ोन भी नहीं करती है, वो ऐसे ही करती है, वो आओगी कहती है फिर बाद में वो नहीं आती। जी बेटा का स्कूल ड्रेस है, थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो मैं इसे सिलाई करके थोड़ा छोटा कर रही हूँ। तो मेरे पास सिलाई मशीन है, बट दोस्तों मैं ज़्यादा अभी भी मैं सिलाई ज़्यादा करने का अभी भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है ना, तो इसीलिए, और सूता धागा भी फिटिंग नहीं किया है मशीन पर, इसीलिए मैं हाथ से ही कर लेती हूँ छोटा मोटा जब सिलाई। हमारा टीवी काफ़ी महीने से पड़ा हुआ है, मतलब हम टीवी चला नहीं देखते हैं, बेटा का एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के लिए हम टीवी बंद कर देते हैं, और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते तो हम टीवी ठीक करना फिर से भूल जाते हैं। तो ये भैया आए हैं, अभी हमारा टीवी को अभी फिटिंग कर देंगे, तो अभी हम थोड़ा बहुत टीवी भी देखना शुरू करेंगे। घर पे अभी मेहमान आए हैं, दो मेरे हस्बैंड के दो दोस्त है, हाय हाय हाय, दोनों ही मेरे सब्सक्राइबर है दोस्तों, मेरे वीडियो देख रहे हैं दोनों, हाय हाय। कैसा हुआ चाय, बोलिए। चाय बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, आपको पीना है तो वो किसान बस्ती जाके चाय का, वो क्या नाम है, चाय का अड्डा, चाय का अड्डा,
चाय का अड्डा है, वहाँ जाके पी सकते हो। अच्छा, इतना अच्छा लगा आपको चाय। तो गाइस मैं अभी थोड़ा भंगा कर आई हूँ, यहाँ पर मेरी जेठानी के घर आई हूँ। तो चलो वो लिफ्ट पे चलो, फिफ्थ फ्लोर है, 5 नंबर। तो गाइस अभी हम लिफ्ट के अंदर आ गए हैं, चलो ऊपर चलते। तो गाइस हम अभी लिफ्ट से उतर गए हैं, अभी हम जा रहे हैं। ये दीदी। तो गाइस अभी जेठानी ने चाय बना के दिया है, अभी हम चाय पियेंगे दोनों और गप्पे शप्पे करेंगे थोड़ा। स्पेशल चाय। ये दोस्तों मेरी जेठानी की बड़ी बेटी है, ये छोटी बेटी है, छुप रहे हैं। और ये मैं अभी जेठानी के वहाँ से अभी घर जा रही हूँ, ये मेरा बेटा है। चलो बाबू घर चलते हैं, कल बेटा का स्कूल है। तो इसी तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। अभी बेटा देखिए डिनर कर रहा है और हस्बैंड अभी आ रहे हैं, उन्होंने अभी डिनर नहीं किया है। तो मैं थोड़ी देर बाद डिनर करूँगी क्योंकि मेरा एक सिलाई का काम है। बेटा का जो स्कूल ड्रेस ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, उसको थोड़ा बड़ा हो गया था, तो पता नहीं वो कल सुबह पता चलेगा। तो दोस्तों अभी रात के 11:30 बज गए और मुझे अभी दोस्तों बहुत सोने जाना है, बहुत नींद आई है दोस्तों। तो आज की मेरी ये ब्लॉग आपको कैसी लगी कमेंट मुझे कीजिएगा दोस्तों, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो रही और एक नया फ्रेश वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।